बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हाय डियर स्टूडेंट्स, हियर इज़ तौफीक अहमद ऑफ योर केमिस्ट्री टीचर। आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन एट योर होम। टुडे वी विल डिस्कस थर्ड एंड लास्ट टाइप ऑफ स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन, दैट इज वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। इन वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप वी हैव टू फाइंड आउट द अननोन वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम गिवन वॉल्यूम ऑफ अदर सब्सटेंस। के किसी भी एक सब्सटेंस का अगर वॉल्यूम दिया गया है तो सेकंड दूसरे सब्सटेंस का हम क्या वॉल्यूम फाइंड करेंगे। अगर रिएक्टेंट का वॉल्यूम दिया जाएगा तो हम प्रोडक्ट का वॉल्यूम फाइंड करेंगे। अगर प्रोडक्ट का वॉल्यूम दिया जाएगा तो हम रिएक्टेंट का वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे। नाउ एग्जांपल इज हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस्ड बाय द डिसोसिएशन ऑफ अमोनिया। क्या हाइड्रोजन कहाँ से बनती है? जब अमोनिया की डिसोसिएशन होती है। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड। हमें कैलकुलेट क्या करना है भाई? हाइड्रोजन का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है व्हेन 8.66 डीएम क्यूब ऑफ अमोनिया आर हीटेड आर रिएक्टेड। जब अमोनिया का 8.66 डीएम क्यूब ये वॉल्यूम है, इतना रिएक्ट करता है, मींस अमोनिया की क्वांटिटी है 8.66, तो हाइड्रोजन कितनी बन रही है, दैट वी हैव टू कैलकुलेट। अकॉर्डिंग टू डेटा वॉल्यूम ऑफ अमोनिया, वॉल्यूम ऑफ अमोनिया इज 8.66 डीएम क्यूब, मोलर वॉल्यूम इज 22.4 डीएम क्यूब एंड वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन हमें कैलकुलेट करना है। देन वी आर मूविंग टूवर्ड द इक्वेशन। सो फर्स्ट इज राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। टू मोल्स ऑफ अमोनिया ऑन डिसोसिएशन गिव्स वन मोल ऑफ नाइट्रोजन एंड 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन। अब इक्वेशन से हमें पता चल रहा है कि जब अमोनिया के 2 मोल्स रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन के कितने मोल बनते हैं? 3। अब हमें क्या करनी है? अकॉर्डिंग टू इक्वेशन हमें डेटा बनानी है। यहाँ पे पहले हमने जो डेटा बनाई है वो डेटा है इक्वेशन की, और अभी जो हम डेटा बना रहे हैं पहले जो डेटा बनाई थी हमने वो है एग्जाम्पल की, वो है क्वेश्चन की। अब जो हम डेटा बनाएंगे वो है इक्वेशन की। सो सबसे पहले हमें मोलर वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, देन मोलर वॉल्यूम ऑफ अमोनिया। अब हमें पता है कि भाई मोलर वॉल्यूम जो होता है वो किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल का होता है। अगर हम देखें तो 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है? 22.4 डी एम क्यूब। मगर यहाँ पे इक्वेशन में जो अमोनिया के नंबर ऑफ मोल्स हैं वो कितने हैं? वो हैं 2। तो अब हम क्या करेंगे कि जो किस सब्सटेंस का मोलर वॉल्यूम होता है 22.4 डी एम क्यूब, उनको मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन में फार्मूला के जितने भी नंबर ऑफ मोल्स दिए जाएंगे। अब मोलर वॉल्यूम जो है वो है 22.4 डी एम क्यूब और अमोनिया के नंबर ऑफ मोल्स हैं 2, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 22.4 को 2 के साथ, देन हमें अमोनिया का अकॉर्डिंग टू इक्वेशन जो वॉल्यूम रिएक्ट कर रहा है वो मिल गया, दैट इज़ 44.8। नाइट्रोजन का 1 मोल है तो इसका 22.4 डी एम क्यूब बनेगा। हाइड्रोजन के 3 मोल दिए गए हैं तो हाइड्रोजन के 3 जो मोल्स हैं वो हम मल्टीप्लाई करेंगे मोलर वॉल्यूम के साथ, तो 3 × 22.4 डी एम क्यूब इज इक्वल टू 67.2 डी एम क्यूब। अब इक्वेशन में हमने देखा कि 44.8 डी एम क्यूब से हाइड्रोजन बन रही है 67.2 डी एम क्यूब। अगर नंबर ऑफ मोल्स देखें तो हाइड्रोजन अमोनिया के 2 मोल्स ऑन डिसोसिएशन गिव्स 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, और जो वॉल्यूम दिया गया है दैट इज 8.66 डी एम क्यूब ऑफ अमोनिया एंड हाइड्रोजन वी हैव टू कैलकुलेट। सो नाउ 44.8 डी एम क्यूब ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस 67.2 डी एम क्यूब ऑफ हाइड्रोजन अकॉर्डिंग टू इक्वेशन। इक्वेशन में बता रही है कि 44.8 डी एम क्यूब अमोनिया के 67.2 डी एम क्यूब हाइड्रोजन के बना रहे हैं। अगर सिंप्लीफिकेशन के लिए हम 1 डी एम क्यूब की वैल्यू फाइंड करें तो 1 डी एम क्यूब ऑफ अमोनिया गिव्स 67.2 डिवाइडेड बाय 44.8 इज इक्वल टू 1.5 डी एम क्यूब ऑफ हाइड्रोजन। अब देखें यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि भाई अगर 44.8 डी एम क्यूब अमोनिया के रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन बन रही है 67.2। अब अगर 44.8 डी एम क्यूब की जगह पे अगर अमोनिया का सिर्फ 1 डी एम क्यूब रिएक्ट करेगा तो 1 डी एम क्यूब रिएक्ट करने से हाइड्रोजन कितनी बन रही है? 1.5 डी एम क्यूब। ठीक है, अब हमें वैल्यू कितनी दी गई थी कि अगर
अमोनिया के 8.66 dm³ रिएक्ट करेंगे तो हाइड्रोजन कितनी बनेगी, देन 8.66 × 1.5 = 12.99 dm³ ऑफ हाइड्रोजन। अब हमें पता चला, अगर हम कंडीशन कंप्लीट देखें क्वेश्चन की, तो 44 dm³ से हाइड्रोजन बन रही है 67.2 dm³। अगर अमोनिया का 1 dm³ रिएक्ट कर रहा है तो हाइड्रोजन बन रही है 1.5, और अगर 8.66 dm³ अमोनिया के रिएक्ट करेंगे तो फाइनली हाइड्रोजन कितनी बन रही है, दैट इज़ 12.99 dm³ ऑफ हाइड्रोजन। तो हमें पता चला कि 8.66 dm³ अगर अमोनिया के रिएक्ट करेंगे तो हाइड्रोजन कितनी बनेगी, हाइड्रोजन का वॉल्यूम कितना बनेगा, 12.99 dm³ ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड फ्रॉम दी 8.66 dm³ ऑफ अमोनिया। सो ये थी लास्ट कैलकुलेशन ऑफ स्टोइकोमेट्रिक, सबसे पहले मास मास देन मास वॉल्यूम, एंड थर्ड कैलकुलेशन हमारे पास थी वॉल्यूम वॉल्यूम कैलकुलेशन। तो आज हमने स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन कंप्लीट किया है। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड वेरी वेल, एंड स्टूडेंट्स यू हैव टू प्रैक्टिस दीज थ्री टाइप्स ऑफ स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन, एंड रिमेंबर दीज आर द कंडीशन एंड एसटीपी कंडीशन व्हिच आर यूज्ड इन द स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन। ओके, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।